सूरा मेरे मज पम्मा डठन बिर मनी सिखा पदिंग समाधियानी बुद्धम। आज शुभ शनिवार है और शनिवार का जो दिन है वो विशेष दिन होता है समण संघ में, क्योंकि उस दिन एनआरआई डे भी है। जो समण हमारे बाहर जाके रोजी रोटी कमाते हैं या बाहर जाके रहते हैं, उनका दिन भी आज ही होता है। और शुभ शनिवार हमारा बहुत प्राचीन दिन है, बहुत प्राचीन मतलब बहुत पुराना, पुराण इतना पुराना कि हम इसको भूल गए और भूलने से इसका अर्थ का अनर्थ हो गया, यानी जो इसका शुभ अर्थ था उसको अशुभ में बदल दिया। पर सोचने वाली बात यह है कि अगर ये शुभ शनिवार था तो हमारे लिए तो शुभ था, तो किन लोगों के लिए ये अशुभ था और किन लोगों ने इसको बदला? हमारा शनिवार शुभ शनिवार किन लोगों के लिए अशुभ शनिवार हो गया, अपशकुन हो गया, शनिचर्या उनके लिए अपशकुन हो गई, अशुभ हो गई, कैसे हो गई, क्या हो गई, इसका विचार मंथन हम कई सौ साल से कभी किए नहीं। बस ये सुनते आए और ये देखते आए कि शनिवार के दिन लोहा नहीं खरीदना चाहिए, ये सबको पता है। कोई क्योंकि पुराने समय में तो लोहा अधिकतर तलवारों में, त्रिशूल में, भाले में, बल्लम में, छुरी में, चाकू में, ये समय उपयोग होता था। बाद में जो बंदूक और तमंचे आए या रिवॉल्वर आई, उसमें भी लोग शनिवार के दिन नहीं खरीदते और फिर लोहे को खरीदना बंद कर दिया, ये हमें पता है। पर ये कोई बताता नहीं कि शनिवार को लोहा खरीदना क्यों नहीं चाहिए, क्यों ये अपशकुन है, क्यों ये बेकार है और क्यों हमारे लिए ये अशुभ है, या उन लोगों के लिए अशुभ है जिन्होंने इसको शुभ से अशुभ किया, ये कोई नहीं बताता। शनिवार के दिन लोग दान करते हैं, भोजन दान करते हैं, भोजन दान की प्रक्रिया बाद में तेल दान में बदल गई और पैसे में बदल गई, पर दान लेने वाले और दान देने वाले दोनों बदल गए। दान लेने वाले काले लोग हो गए, पर जो शनिचर्या का जो देव है, देवता है, देने वाला है, वो काला ही है, और दान देने वाले काले से गोरे हो गए, यानी कि उल्टा हो गया। ये चीजें हमें इसलिए समझनी चाहिए क्योंकि भारत के अंदर जो भी चीज समणों के लिए अपशकुन है, नुकसानदायक है, खतरनाक है, बेइज्जती वाली है, निगेटिव है, उन पर सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों है, कब से है, किसने आरंभ किया, किसने बदला, क्यों बदला, पहले इसका क्या अर्थ था और आज इसका क्या अर्थ है, और अभी इसको अर्थ को कैसे ठीक करें जो पहले अर्थ था उसके अनुसार। इसलिए जब हम पुरानी भाषा पढ़ते हैं जिसको आज पाली बोलते हैं, पाली नाम नया है पर भाषा पुरानी है, क्योंकि पाली नाम पुराने समय में पाली नहीं बोला जाता था। जब ये भाषा दोबारा से खोजी गई, ये जानकारी में आई कि सारी भाषाओं की जननी जो भाषा है, जो सारी भाषाओं को पालती है, जो सारी भाषाओं को पालने में झुलाती है, जिससे सारी भाषाएं पैदा हुई हैं, उस पालने वाली भाषा का नाम पाली पड़ गया, और पाली से ही सारी भाषाओं का जन्म हुआ, जननी हुई। जब ये बात पता चली तो डॉक्टर अम्बेडकर जैसे दुनिया के सबसे बड़े आधुनिक ज्ञाता, आधुनिक विज्ञान, आधुनिक जमाने में, मॉडर्न साइंस में, मॉडर्न एरा में दुनिया के सबसे बड़े ज्ञाता, सबसे बड़े जानकारी रखने वाले डॉक्टर अम्बेडकर, उन्होंने अपनी जितनी भी किताबें लिखी, उन किताबों में जो भाषा की किताब लिखी वो ना तो इंग्लिश की लिखी, ना संस्कृत की लिखी, ना उन्होंने हिंदी की लिखी, ना उन्होंने मराठी की लिखी। वो मराठा थे, मराठी में लिखते पर नहीं लिखी, वो इंग्लिश में सारे उन्होंने अपने ग्रंथ सारे के सारे जितने वॉल्यूम हैं, जितने भी किताबें उनकी हैं, वो सब इंग्लिश में लिखी और बहुत बढ़िया इंग्लिश में लिखी, पर उन्होंने जो डिक्शनरी दी, जो भाषा के बारे में कहा, वो इंग्लिश नहीं है। उन्होंने संस्कृत जर्मन में जाके सीखी, संस्कृत को सीखने के लिए वो बहुत परेशान रहे क्योंकि यहाँ के जो लोग थे जो संस्कृत जानते ही नहीं बेसिकली, क्योंकि संस्कृत एक अलग तरह की भाषा है, उन्होंने उनको सिखाने से मना कर दिया, तो जर्मन में जाके सीखी, वो भाषा भी उन्होंने मना कर दी। और जो देश विदेश की भाषाएं उन्होंने सीखी, जर्मन सीखी,
या फ्रेंसी की, वो भाषाएं भी उन्होंने हमें नहीं सिखाई और ना ही उनके लिए कहा। पर जो भाषा भारत में बोली तो जाती है पर नाम उसका बदल गया, जानी तो जाती है पर नाम जिसका बदल गया, उस भाषा को खोज के उसका उन्होंने 16वां वॉल्यूम दिया जिसको पाली की डिक्शनरी बोलते हैं। पुराना नाम इसका मगधी है, उससे पुराना नाम इसका नेचुरल है यानी प्राकृतिक है, पक्तिक है। ये नाम उसके तभी से पड़ते आए हैं, अशोकी भी बोल सकते हैं उसको, या जो समय जो जो एरिया रहे जिनमें बोली जाती है उनके नाम से बोले जाते हैं। पर चूंकि भाषाएं नेचुरल थी इसलिए नाम कोई पड़ा नहीं, बस जगह के हिसाब से, राजा के हिसाब से, समय के हिसाब से नाम बदलते रहे। और लास्ट में जब खोज हुई कि सारी भाषाओं को पालने वाली है तो नाम पड़ गया पाली। और पाली जो भाषा है वो पढ़नी चाहिए और उसको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। आज की जो हम भाषा बोल रहे हैं और जो भाषा हम लिख रहे हैं और जो जान रहे हैं वो 80% से ज्यादा पाली ही है, यानी पुरानी भाषा ही है। क्योंकि भाषाएं खत्म नहीं होती, भाषाएं बदली जा सकती हैं, भाषाएं अपने आप को बदल लेती हैं, उनका रूप बदल जाता है। जैसे नदियां अपना रास्ता बदल लेती हैं वैसे ही भाषाएं भी अपनी जो गति है उसको बदल लेती हैं और अलग अलग तरह में ढल जाती हैं, उनकी बहुत सारी धारा निकल जाती हैं। पर उनकी मूल जो धारा है उसका पता चल जाता है कि कहां से ये आई है और कैसे आई है। तो उसी भाषा को सीखने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने 16वां वॉल्यूम दिया, पूरा भरा पड़ा है पाली से, पाली की डिक्शनरी है, पाली कैसे पढ़े, पाली में क्या है। तो उसी में, उसी डिक्शनरी के अंदर एक सन्निपात, एक सन्निकट, एक सन्नी करके शब्द आता है। उस सन्नी का, सन्निपात का, सन्नी बाहुल का जो अर्थ है वो आज भी हम बोलते हैं और आज भी हमारे जगह जगह बोला जाता है। कहता वो उसके बड़े सन्निकट है, वो सन्नी सन्नी है यानी पात पात है, वो सन्निपात करते हैं यानी साथ बैठने का काम करते हैं, साथ बैठने की चर्या करते हैं। सन्निपात बाहुल यानी बहुत सारे लोग साथ साथ बैठे हुए हैं, चिपके हुए बैठे हुए हैं। ये जिक्र जब आता है और सन्निकट बैठने की बात आती है तो सन्निकट शब्द आज भी चलता है। कट माने होता है क्रिया और सन्नी माने पास, सन्निकट, सन्निकट यानी कि पास आने की चर्या, पास आने का कृत, पास आने का कार्य। इसलिए वो जो पास आने का, पास बैठने का कार्य है उसको समझना चाहिए। उसको समझने के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि अगर आप धम्मपद पढ़ेंगे या बुद्ध की कोई किताब पढ़ेंगे तो उसमें जिक्र आता है एक बार कि एक राजा जो चाहता है कि दूसरे राज्य को वो जीत ले, वज्जी नाम का राज्य है उसको जीत ले, और उसको जीतने के लिए जब वो युद्ध करता है तो हार जाता है, ना वहां सेना है ना वहां टेंड लोग हैं, पर जब भी युद्ध करता है हार जाता है। कई बार हार गया तो परेशान हो गया कि कारण क्या है, तो अपने एक सिपाही को भेजता है, सेनापति को भेजता है कि जाओ बुद्ध बहुत ज्ञानी है उनसे पूछो कि मैं क्यों हारता हूं। तो बुद्ध के पास जाता है, बुद्ध से पूछता है कि क्यों हारते हैं जब भी वो वहां युद्ध लड़ते हैं। तो बुद्ध युद्ध की बात नहीं करते पर सवाल पूछा है जवाब बताते हैं। जैसे समर संघ से कोई भी व्यक्ति कहीं का भी कोई सवाल कभी भी पूछ ले। अभी नागपुर के अंदर जो 14 तारीख को संगति लगेगी उसमें ओपन इन्विटेशन है, खुला निमंत्रण है सभी के लिए। कोई जितने भी लोग हैं नागपुर के, जितने भी बुद्धिजीवी नागपुर के हैं और आसपास के हैं, महाराष्ट्र के हैं, पूरे इंडिया के हैं, कोई सा भी सवाल, कैसा भी सवाल संघ से करें, जवाब मिलेगा। वैसे ही बुद्ध से कोई भी सवाल करता था तो जवाब जरूर मिलता था, क्योंकि उनके पास सारे सवालों के जवाब थे, क्योंकि वो बोधिसत्व थे, वो बुद्ध थे, वो बोध हो चुका था उनको। इसलिए वो आनंद को कहते हैं कि आनंद, वो जो लोग हैं वज्जी वो इसलिए नहीं हार सकते क्योंकि वो सात कार्य करते हैं, सात अपरिहार यानी कि हार से परे, जिनकी हार नहीं हो सकती, अजय, सात काम करते हैं। जब तक वो सात काम करते रहेंगे तब तक वो हार नहीं सकते, वो अजय रहेंगे। उन सात कामों में एक काम ये भी है कि वो सारे के सारे सात दिन में एक बार सन्निपात बाहुल करते हैं यानी एक साथ बैठते हैं, सुख दुख बांटते हैं, व्यापार की बात करते हैं, जन जंगल जमीन की बात करते हैं, रिश्ते नातों की बात करते हैं, हारी बीमारी की बात करते हैं, पुरानी जो यादें हैं उनकी बात करते हैं, अपने बुजुर्गों के जो कारनामे उनको याद करते हैं, अपने बच्चों को उनको सिखाते हैं, उनको संस्कार देते हैं। ये सारे काम वो करते हैं, अपनी महिलाओं की इज्जत करते हैं और अपना अपना खाना लेके आते हैं और अपना अपना हथियार वाला डंडा, सत्तक दंड, बाद में तो तलवार हो गई, भाले हो गए, त्रिशूल हो गए, सत्तक दंड लेके आते हैं और
उनके इकट्ठे होने से एक बहुत बड़ी ऊर्जा पैदा होती है और उस ऊर्जा से पैदा होने से उनमें जोश आता है और उनमें जोश आता है तो उनमें एक भाईचारे की, एक इकट्ठे होने की और एक एहसास पनपता है उनके अंदर कि वो बहुत बड़ी शक्ति है और वो अकेले नहीं है। इसलिए अकेला भी अगर व्यक्ति कोई जाता है जो संघ में रहता है, सन्निपात बहुल करता है, तो उसे डर नहीं रहता। 7 दिन बाद तो फिर इकट्ठे होंगे, कोई समस्या आएगी तो वहां सॉल्व हो जाएगी, इसलिए वो डरते नहीं, इसलिए वो घबराते नहीं, ये ताकत उनको मिलती है। इसलिए वो राजा युद्ध जब उन पर करता है पर वो सारे लोग इकट्ठे रहते हैं और इकट्ठे होकर वो एक साथ हमला बोलते हैं। सेना क्या है? सेना तो थोड़ी सी होती है, क्योंकि किसी देश के अंदर जो सेनाएं होती हैं उनका काम ही ये बताया जाता है कि वो लड़ने का काम उनको दिया है और वो लड़ेंगे। इसलिए जो सेनाएं होती हैं जब तक पैसा मिलेगा तब तक लड़ेंगी, जब पैसा मिलना बंद हो जाएगा वो नहीं लड़ेंगी। ये पूरी दुनिया की सेनाओं का काम है, पर किसी देश के लोग जो सेना नहीं है और वो सारे के सारे लड़ें आके, उससे कौन जीतेगा? क्योंकि सेनाएं तो बहुत कम होती हैं। सेनाएं तो किसी गांव से एक सैनिक जाता है, किसी बड़े शहर से 10 सैनिक जाते हैं, पर शहर में तो लाखों लोग होते हैं, गांव में तो हजारों लोग होते हैं, तो कहां हजारों लोग और कहां एक सिपाही। इसलिए जहां पूरा देश खड़ा हो जाता है, जहां पूरा देश लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जहां पूरा देश सन्निपात बहुल करता है, उससे कौन जीतेगा? राजा हर बार हारता है। राजा को समझ में आ गया भाई इनसे नहीं जीत सकता, पर राजा को जिद थी जीत जीतने की, इसलिए वो कहता है कि मैं जीतूंगा। वो जो 7 अपर्याय नियम थे वो उनको तोड़ने के लिए अपने आदमी भेजता है। वो अपनी औरतों की इज्जत करते हैं, उनको नशा देता है, उनको जुआ सिखाता है, उनको वहाँ अय्याशी सिखाता है। वो अपनी औरतों की इज्जत भूल जाते हैं, वो अपनी बुजुर्गों की इज्जत करते हैं, वहाँ वो चोरी चकारी सिखाते हैं, नशा सिखाते हैं, लोग बुजुर्गों की इज्जत करनी बंद कर देते हैं नशे में, वहाँ उनमें झगड़े शुरू हो जाते हैं, वहाँ वो फ्री का खाना, फ्री की सेवा, फ्री का चीज़ें भेजता है, उससे लोगों में चोरी चकारी और व्यभिचार आ जाता है, उनमें भाईचारा ख़त्म हो जाता है, छीना झपटी स्टार्ट हो जाती है। और ये सारे व्यसन जब वो राजा वहाँ प्लेस कर देता है, स्थापित कर देता है, उसके बाद वो एक छोटी सी सेना भेजता है और जीत जाता है, क्योंकि फिर वो इकट्ठे होकर लड़ने के लिए नहीं आते, फिर उनमें आपस में दुश्मनियाँ हो चुकी हैं, मतभेद हो चुके हैं, और वो मतभेद के कारण ही वो हारते हैं। ठीक ऐसे ही मतभेद और मनभेद समण लोगों के आजकल चल रहे हैं। 29,000 संगठन काम करते हैं, 29 लाख संगठन काम करते हैं, लड़कों के दलबल के ब्रिगेडियर सेना आर्मी के अलग, सरकारी कर्मचारियों के अलग, और एक एक डिपार्टमेंट में कई कई संगठन उनके अलग अलग और एक दूसरे के दुश्मन। लड़कों के दलबल के जितने भी संगठन हैं सब एक दूसरे के दुश्मन। सामाजिक संगठनों के लाखों संगठन चल रहे हैं पर लाखों संगठन अलग अलग, बिल्कुल एक दूसरे के दुश्मन। राजनीति में तो खुला युद्ध चलता है, राजनीति में समणों के हजारों पार्टियां हैं पर सब एक दूसरे के दुश्मन। धार्मिक क्षेत्र में भी कहीं कोई अच्छी बात नहीं हो रही है। जो धार्मिक मतों के लोग हैं वो सारे मतों के लोग अलग अलग हैं, और अगर एक मत के भी लोग हैं, जैसे बहुत सारे मत चलते हैं जो धर्म के मत चलते हैं या गुरुओं के मत चलते हैं, वो तो आपस में उलझे हुए हैं ही, पर अगर एक मत भी लगा लो जैसे बुद्ध का मत है, तो उसके भी सारे भिक्कू अलग अलग, उसके भी मठ अलग अलग, ये सारे के सारे जितने भी टुकड़े हैं, इसलिए इनको हराने के लिए किसी को सेना भेजने की आवश्यकता नहीं है। इनको तो सिर्फ फूंक मार दो, ये उसी में हिल जाते हैं, उसी में ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि 29 लाख टुकड़ों में बटे हुए लोग हैं, ये क्या जीतेंगे और क्या लड़ेंगे, क्योंकि अभी जो लड़ाई है वो संख्या बल की है, अभी जो लड़ाई है वो सन्निपात बहुल की है। अब संविधान ये कहता है कि जिसके पास जितना ज़्यादा सन्निपात बहुल होगा वो जीतेगा, और जिसके पास सन्निपात बहुल नहीं होगा वो ऐसे ही मरेगा जैसे जंगल में एक शेर कूदता फांदता घूमता रहे, और जो शिकारी कुत्ते होते हैं उनका झुंड या लगड़ बग्गों का झुंड उसको खा जाता है या उसको फाड़ देता है। बेशक शेर है पर अकेला है, तो अकेले शेर को कोई नहीं पूछता। वैसे ही हमारे संगठनों का होंगे सारे शेर, पर इनकी सबकी मौत निश्चित है, ये सारे मारे जाएंगे, क्योंकि ये अलग अलग हैं। अगर ये इकट्ठे भी हो जाएं तो भी काम चल सकता है। इसलिए सन्निपात बाहुल हमको
अपने खून में रचा बसा लेना चाहिए और सन्निपात बाहुल को लगातार 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 हर शनिवार को करते रहना चाहिए, क्योंकि ये जो सन्निपात बाहुल है ये हमारा ग्रेट दिन है। हम हथियार रखते थे तो हथियार हमारा कोई हमसे हटा नहीं सकता। आज भी जो भारतीय संविधान है उसके अंदर भी एक डंडा रखने की अनुमति है, उसके अंदर भी डंडे रखने का प्रावधान है। उस डंडे की लंबाई है, उस डंडे को 24 घंटे आप अपने साथ रख सकते हो। जो सिख हैं उनको चाकू रखने की अपने साथ अनुमति है। और अभी एक कंट्री के अंदर मैंने आज न्यूज पढ़ी थी कि वहाँ बच्चे जो पढ़ते थे उनको कृपाण के साथ में, चाकू के साथ में क्लासरूम में एंटर नहीं होने देते थे, पर वहाँ वो पास हो गया, शायद ऑस्ट्रेलिया है। तो सिख मजहब के लोग कहीं भी जाते हैं, ये उनके मजहब में, ये उनके रूल में है, उनके सोशल रूल में है, उनके रिलीजियस रूल में है कि वो अपने हथियार को साथ रखेंगे। और जो उनके प्रीचर हैं, जो उनके प्रचारक हैं, जो निहंग जिनको बोलते हैं, वो तो लंबी लंबी तलवारें रखते हैं साथ में। पर ये परंपरा बुद्ध ने आरंभ की जब 11 प्रकार के सत्तक दंड अपने भिक्कुओं के लिए अलाउ किए, पर भिक्कु पढ़ते नहीं, भिक्कु लिखते नहीं, भिक्कु समझते नहीं। अरे जो बुद्ध ने आपको सत्तक दंड दिया है, आप बुद्ध की बात को मना कैसे कर सकते हो? उनका सत्तक दंड किसी और ने ले लिया और वो बिना दंड के घूमते रहते हैं और करुणा कहते रहते हैं। बुद्ध ने करुणा सिखाई है, पर करुणा की सुरक्षा के लिए जो करुणामयी व्यक्ति है उसे बचना भी तो आवश्यक है। इसलिए 11 प्रकार का सत्तक दंड दिया हुआ है, विनय पिटक में पढ़ लें, साफ लिखा हुआ है उसके अंदर। कहीं कोई ऐसा नहीं है कि मुगालता नहीं है कि कहीं कल्पना की बात हो, लिखा हुआ है बाकायदा। और ये भी लिखा हुआ है कि उसकी मूठ कितने प्रकार की हो सकती है, हाथी दांत की हो सकती है, लाख की हो सकती है, अलग अलग तरह की मूठ है। सोने चांदी की नहीं हो सकती, क्योंकि सोने चांदी के लिए मना किया हुआ है, महंगी धातु है, तो उसकी मूठ हो सकती है। तो ये जो सत्तक दंड चलते हैं सेना के हाथ में, आज के समय जो आप देखते हो कि परेड में जो सबसे आगे जो प्लाटून कमांडर होता है वो अपने हाथ में एक सत्तक दंड लेकर चलता है, और जो सत्तक दंड जिसको राजदंड बोलते हैं, ये वहीं से आया हुआ है, वहीं के बाद लोगों ने इसको रखना शुरू किया है। तो उसको रखना चाहिए सन्निपात बाहुल में, हर व्यक्ति को उसको ग्रहण करना चाहिए। वो उनका बहुत पुराना प्राचीन नियम है जो संविधान के अंदर भी है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। पर रखे कौन, करे कौन? क्योंकि बुद्ध की बातों को तो लोग ऐसे घुमा देते हैं, बस फोटो रख लिया और कह दिया बुद्ध शरण गच्छामि और हो गया काम। ऐसे नहीं होता काम। बुद्ध ने अगर ये कहा है कि संघ में रहना है, संघ की शरण में जाना है, तो ये नहीं कहा है कि भिक्कू संघ की शरण में जाना है, ये नहीं कहा है कि भिक्कुणी संघ की शरण में जाना है। जो भिक्कु है वो भिक्कु के संघ की शरण में जाएगा, जो भिक्कुणी है वो भिक्कुणी के संघ की शरण में जाएगा, जो उपासिका है वो उपासिका के संघ में जाएगा, और जो उपासक है वो उपासक की में जाएगा। पर जो आम आदमी है वो क्या करेगा? क्योंकि उपासक बोलते हैं जो उपासन पे बैठ के धम सीखता है, उपासिका बोलते हैं जो उपासन पे बैठ के, यानी बराबर वाले आसन पे बैठ के धम सीखती है। तो भिक्कुणी महिलाओं को ले सकती है अपने संघ में, और वो भी भिक्कुणी महिलाओं को। पर हमारे लिए क्या है, श्रमणों के लिए क्या है? श्रमणों के लिए वो संघ है जिस संघ में जब बुद्ध नहीं थे, सिद्धार्थ गौतम थे, एक साधारण लड़के थे, और उस समय उन्होंने उस संघ की शपथ ली थी, उसके नियमों की शपथ ली थी, और उस संघ में वो शामिल हुए जिसको शाक्य श्रमण गणराज्य संघ बोला करते थे। शाक्य मतलब सब्जी उगाने वाले, श्रमण जो श्रमण थे गणराज्य के संघ के, और उधर कोलीय श्रमण थे, यानी श्रमण कोलीय गणराज्य संघ थे। तो वो जो उन्होंने शपथ ली, उस समय भिक्कु संघ नहीं था, उस समय भिक्कुणी संघ नहीं था, उस समय श्रमणों का संघ हुआ करता था। और ऐसे छोटे छोटे संघ बहुत सारे श्रमणों के हुआ करते थे अलग अलग, क्योंकि साधन नहीं थे, कोई बड़ा संघ नहीं बन सकता, पर थे सारे श्रमण, इसलिए जगह 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 सन्निपात बाहुल हुआ करते थे। तो ऐसे एक सन्निपात बाहुल में सिद्धार्थ गौतम ने भी शपथ ली, वो संघ के सदस्य बने। बाद में उन्होंने संघात किया, संघ की बात को नहीं माना, संघ ने उनको दंड दिया, तीन दंड दिए, और तीन दंड में से एक दंड उन्होंने चुना। ये सारे नियम बुद्ध ने जो भिक्खु संघ में लिए, वो सारे के सारे श्रमण संघ के नियम थे। जो अलग से बाद में भिक्खु के लिए बनाए वो अलग नियम थे, पर सामाजिक जो कल्चरल नियम थे वो वहीं से आए हुए थे, और वो जानते थे, सिद्धार्थ गौतम जानते थे, इसलिए उन्होंने संघ की स्थापना अपने भिक्खु संघ में भी की। पर संघ की स्थापना सबसे पहले प्रकृति ने की, नेचर ने की, और नेचर से ही हमने सीखा, और हमारे महापुरुष जितने भी श्रमणों के थे उन्होंने सीखा, और वहाँ से सीखते सीखते यहाँ तक आया। तो सन्निपात बाहुल हमारे लिए शुभ है, क्योंकि हम हथियार रखते थे, पर जिसके खिलाफ हम हथियार इस्तेमाल करते थे उसके लिए तो अशुभ था।
तो अशुभ वाला अशुभ कहे ना, हम क्यों अपने अपने को अशुभ कहें? हम सारे इकट्ठे होते थे, हमारी एनर्जी बढ़ती थी तो किसी की घटती थी, कोई घबराता था। जैसे सेनाएं कहीं जाती हैं, इकट्ठी होती हैं तो आसपास खलबली मच जाती है, सेनाएं आई हैं इकट्ठी हुई हैं तो खलबली उनमें मचे जिनके दिल में चोर है, पर हम इकट्ठे हों तो हमारे लिए तो शुभ है। इसलिए शुभ से अशुभ हो गया, कर दिया। और सन्निपात बाहुल का सन्नी बार बनाया, सन्नी चरिया बनाया, सन्नी चरिया बनाया, फिर शनिचरिया बनाया, फिर शनिचर कर दिया, और फिर मनहूस शनिचर कर दिया। इसलिए इसको कथा को बार 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 आपको रिपीट करना चाहिए, बताना चाहिए। और अब तो समण डायरी आ रही है, उसमें समण जो शुभ शनिवार है उसकी कथा भी है, जो आपको हर शनिवार को बच्चों को पढ़ के सुनानी है और बतानी है। ये सारा काम हम क्यों कर रहे हैं? ये सारा काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो पुराना जो घर है, जो अलग अलग टुकड़ों में टूट गया, ईंटों में बिखर गया है, अगर वो बन जाता है तो हम बारिश से, तूफान से, आग से, सांप से, बिच्छू से, अजगर से, इनसे बच जाएंगे, हमारे बच्चे बच जाएंगे। इसलिए हमको ये सन्निपात वाला जो घर है, बड़ा विशाल घर है, ये हमें हर हालत में बनाना ही है। बस ईंटें जोड़नी है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। डिजाइन तो पहले से ही बुद्ध से पहले श्रमणों ने दे रखा है, उसमें कोई समस्या है नहीं, क्योंकि सामूहिक लोग बैठेंगे, बहुत सारा डिस्कशन होगा, तर्क वितर्क होगा, सारी बातें होंगी। और तर्क वितर्क तो रोज होता है आप लोगों से। आप जब किसी को समर संघ के बारे में बताते हो तो कुछ प्रश्न कॉमन आते हैं, वो जो कॉमन प्रश्न आते हैं उनका जवाब भी कॉमन ही है। तो हो सकता है कि यहाँ नए साथी हमारे हों या पुराने हों, वो भूल गए हों, तो मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। पहला सवाल सबसे पहला आता है, हंस के लोग कहते हैं सामने वाले, और वो कहते हैं जो जानते हैं, जो संगठन चलाते हैं, बिना नेता के और बिना राजनीति के कैसे? ये सवाल वो छोड़ते हैं हमारे समर संगी जब बात करते हैं। बिना चंदा के कैसे? ये सवाल वो छोड़ते हैं। इकट्ठे होके क्या करोगे, कैसे करोगे? ये सवाल वो छोड़ते हैं। ये वो कॉमन सवाल हैं जो लगभग सारे समर संगी कभी ना कभी या रोज जब भी बात करेंगे, जब भी समझाएंगे, ये उनको आएंगे ही आएंगे, ये फेस होंगे होंगे। तो पहला सवाल ये है कि बिना नेता के कैसे? तो सवाल के बदले में आपको प्रति सवाल करना चाहिए, काउंटर सवाल करना चाहिए, काउंटर क्वेश्चन करना चाहिए, उनसे ये पूछना चाहिए कि नेता से कैसे? अभी हम सवाल के जवाब बाद में देंगे कि बिना नेता के कैसे होता है, पर पहले ये बताओ कि नेता से कैसे हल हुआ, नेता से क्या हल हुआ? ये बताओ कि इतने सारे नेता हैं, उनसे क्या मिला? उन नेताओं से, किस नेता से आप खुश हो? तो आपको जान के हैरानी होगी कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो किसी नेता से खुश ही नहीं है, और वो किसी को नेता मानता ही नहीं, और वो सारे नेताओं को कहता है ये बदमाश है, ये गुंडा है, ये चोर है, ये कामचोर है, ये पैसे लेके भाग गया, इसने बेच दिया, ये पार्टी बदल ली, ये तो निकम्मा है, इसने अपने बच्चों को दे दिया, इसने अपने परिवार को दे दिया, इसने जमीन खा ली, इसने पैसा खा लिया, इसने चंदा खा लिया, 50 बातें बता देगा आपको, फिर भी कहेगा नेता तो चाहिए। ये मानसिक गुलामी है, यानी कि वो जानता है कि पिछले 70 साल में नेता से कोई समस्या समाधान नहीं हुई है, बल्कि नेता ही समस्या है, और वो इस बात को स्वीकार भी करता है। और आप उससे पूछ लो कि कौन सा नेता अच्छा है, वो सारे नेताओं को बकेगा, सारे नेताओं को कहेगा सारे नेता खराब है, पर फिर भी कहेगा कि नेता के बिना कैसे। ये ठीक ऐसा है कि जैसे कोई आदमी शराब पी रहा है और शराब पी पी के मर रहा है, और शराब से उसके सारे लीवर वीवर खराब हो गए, सारे मरने वाला है, कहता है फिर भी कहता चाहिए शराब। ये मानसिक गुलामी है, ये जकड़ा हुआ दिमाग है। ये याद दिलाना पड़ता है कि हमारे पूर्वजों में कौन कौन से नेता थे, जरा बताओ। ये 70 साल को छोड़ दो, ये 70, 72, 75 साल को छोड़ दो, उससे पहले बताओ कि हमारे कौन से राजनीतिक नेता थे, कौन से नेता ऐसे थे जिनके नाम चले आ रहे हैं, जिन्होंने नेतागिरी की है और जिन्होंने नेतृत्व किया है, बता दो। तो 0/0 सन्नाटा, आपको कोई भी नेता ऐसा नहीं मिलेगा पिछले 70 साल 73-75 साल को छोड़ दें कि जहाँ कोई नेता हमारा रहा हो। तो हो सकता है किसी संत का नाम बोल दे, हो सकता है बुद्ध का नाम बोल दे, हो सकता है किसी ऐसे क्रांतिकारी का नाम बोल दे जिसने अंग्रेजों के खिलाफ कोई लड़ाई वड़ाई लड़ी हो, तो वो नेता तो नहीं है। क्योंकि पुराने समय में अगर जाओगे, पुराने समय में देखोगे, पुराने अगर पन्ने पलटोगे, पाली के इतिहास में जाओगे, बुद्ध के इतिहास में जाओगे, पहले भी जाओगे, तो कहीं कोई नेता ही नहीं है। एक सांघिक प्रक्रिया है, एक संघ की प्रक्रिया है, और संघ ही संघ का नेता है।
संघ ही हमारा नेता है और उसके जो नियम है वही हमारा नेतृत्व करते हैं। और वही प्रक्रिया जो पुरानी प्रक्रिया थी, पुराना प्रोसेस था, वही डॉक्टर अंबेडकर ने सेम का सेम उठाकर उसको अंग्रेजी में बदलकर उसको सूत्रों की जगह उसमें आर्टिकल लिख के और उसको वहाँ लोगों द्वारा उसको अनुमोदित करा के, पूरे देश से अनुमोदित करा के उसको लागू कराया। उसको कहते हैं संविधान, समण संविधान, समणों का संविधान, सम्यक संविधान, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, कॉमन इंस्टीट्यूशन। तो वो जो प्रक्रिया बाबा साहब अंबेडकर ने दी है, अब ये लोग क्या कहते हैं, कहते बाबा साहब ने नेतागिरी नहीं करी कहीं। अरे भाई, बाबा साहब ने अगर नेतागिरी की होती तो पहली बात तो ये कि वो हीरोशिप लिए मना क्यों करते, और दूसरी बात ये कि वो संविधान को सांघिक क्यों बनाते। पूरे देश की रचना बना रहे हैं तो क्या वो ये नहीं जानते कि हमारे अपने लोगों के लिए सांघिक एक सिस्टम चाहिए? और उन्होंने सांघिक सिस्टम ही तो बनाए थे सारे सारे, कोई व्यक्तिवादी सिस्टम नहीं बनाए। उन्होंने जितने भी इंस्टीट्यूट बनाए थे वो सांघिक तौर पर बनाए थे, पर लोगों ने उसको व्यक्तिवाद में बदल दिया, और जब व्यक्तिवाद नहीं चला उनका तो उन्होंने उसको तोड़ दिया। क्योंकि जब व्यक्ति किसी सांघिक रचना को तोड़ता है तो वो दो टुकड़ों में या चार टुकड़ों में बढ़ती है, फिर उनमें कंपटीशन होता है और वहाँ व्यक्ति पैदा हो जाते हैं। तो वो सारी बाबा साहब की जितने भी इंस्टीट्यूशन थे आज उनका कोई ना कोई व्यक्ति मालिक है, और जो वो जब तक मर नहीं जाता जब तक मालिक रहता है, और मरने के बाद भी अपने बच्चों को स्थापित कर जाता है। सारे बाबा साहब का, चाहे भारतीय बौद्ध महासभा हो, चाहे समता सैनिक दल हो, चाहे वो समता समाज संघ तो खैर बन नहीं पाया, वो सपनों में रह गया, चाहे वो सुरकाश वेलफेयर एसोसिएशन हो, चाहे वो पीपल्स सोसाइटी हो, आप किसी को भी उठा के देख लें, परिवारों का और व्यक्तियों का वहाँ झगड़ा है, कोर्टों में केस चलते हैं, ये तो वहाँ की बात है। और जिनका बस वहाँ से नहीं चला उन्होंने अपने 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 बहुत सारे खोल लिए। इसलिए जब हम ये पूछते हैं उनसे कि बताओ नेता से उद्धार हो सकता है क्या, तो वो खुद ही कहता है नहीं, नेता तो सभी निकम्मे हैं। अरे भाई, जब सब नेता निकम्मे हैं और किसी की गारंटी नहीं है, और जो भी तुम जिसको समझते हो कि अच्छा होगा कुछ दिन बाद वो इसी को गाली बकते हो, उसी को तुम निकम्मा कहते हो, तो अच्छा नेता कहाँ से लाओगे और कैसे गारंटी दोगे कि अच्छा नेता है? एक व्यक्ति जो शुरू में पैदल चलता है, शुरू में कैडर लेता है, शुरू में भूखा रहता है, उसके पास मजबूरी है उसकी, उसके पास कुछ है नहीं, क्योंकि वो आता है, हमारा तो सारा सारा समाज भूखा नंगा है, तो वो किसी जिस भी घर से आता है वो भूखा नंगा घर ही होता है, और किसी के पास दो पैसे हों तो वो भी कोई ज़्यादा बड़े नहीं है। तो वो जो आते हैं, किसी भी घर से आते हैं तो भूखे नंगे होते हैं, तो सिवाय उनके पास पैदल चलने के अलावा, साइकिल से चलने के अलावा, या भूखे रहने के अलावा, या एक साधारण कपड़ों के अलावा और होता क्या है? पर जब वही लोग सत्ता में आ जाते हैं और सत्ता में आके उनको लोग चढ़ा देते हैं और उनको पैसा भेजते हैं, तो वो फिर हीरे से और सोने चांदी से खेलने लगते हैं, फिर वो बड़ी बड़ी जो टोयोटा फॉर्चूनर कार है उनसे खेलने लगते हैं, फिर उनके कपड़े बहुत रंगीन मिजाज के हो जाते हैं, फिर उनको बसें और जो रेल हैं वो धक्का लगती हैं, फिर वो जहाज़ में घूमते हैं और बढ़िया घूमते हैं, ये परिवर्तन हो जाता है उनमें, और फिर उनकी आदत पड़ जाती है, फिर वो नीचे कैडर देने नहीं आ सकते। एक उदाहरण नहीं है पूरे भारत में कि जो नेता जमीन पे बैठता था, जमीन पे खाता था, जमीन पे कैडर देता था, चारपाई पे बैठता था, और जो रूखी सूखी खाता था, जिसके पास एक जोड़ी कपड़े थे, जिसके पास में पैसे नहीं होते थे, मांग के चंदा लेकर काम करता था, वो संपन्न होने के बाद दोबारा उस बस्ती में जाके कैडर दिया हो, एक उदाहरण नहीं है। यानी कि सारे नेता, सारे सारे नेता बदल जाते हैं, उनकी मनोस्थिति बदल जाती है, उनकी आदत बदल जाती है, फिर वो चाह कर भी नहीं आते और कुछ बहाने बना लेते हैं, कहते अब तो बड़े नेता हो गए हो, वहाँ जाओगे तो मारेंगे, आपको कोई गोली ना मार दे, आपको ख़त्म ना कर दे, आपको कोई हमला ना कर दे, अब आप इतने बड़े नेता हो, अब बस्ती में जाओ क्या, अब चीले चपटे जाएंगे, पर वो नहीं आता। इसका मतलब नेता की किसी की गारंटी नहीं है, एक सिंगल नेता नहीं ऐसा जो रिपीट होकर बाद में आया हो। तो व्यक्ति तो ऐसे ही करते हैं भाई, व्यक्तियों का दोष नहीं है। जो एक बार बड़ी गाड़ी में और गद्दे वाली सीट पर बैठ जाएगा वो क्यों बैठेगा स्टूल पर? जो एक बार बढ़िया भोजन खाएगा वो क्यों खाएगा जब उसे अवेलेबल है मिला? इसी के लिए तो संघर्ष कर रहा है वो, और सबको जनता को नहीं मिला तो उसका क्या, उसको तो मिला। इसलिए किस व्यक्ति पे आप यकीन करोगे और वो व्यक्ति नहीं बदलेगा, उसकी गारंटी क्या है? भारत में नेता कैसे बनते हैं? भारत में जो नेता बनते हैं, पूछो उसे सवाल कि कैसे बनते हैं, तो वो कहेगा जी पता नहीं, यही कहेगा पता नहीं। पर आप उसे बताओ, भारत में नेता बनने की क्वालिफिकेशन है वो जेल जाना, वो जेल जाए, कहीं किसी एट्रोसिटीज में जाके वो लड़े मरे और दरोगा पुलिस से भिड़े, और दरोगा पुलिस से भिड़ने के सब नाटक होते हैं, एक टग ऑफ वार होता है
कि तुम इतनी रस्सी खींचना, हम इतनी रस्सी खींचेंगे, अगर रस्सी टूट गई तो मारेंगे बहुत, जेल में जाओगे, पटोगे, कोर्ट में जाओगे, मुकदमे भी लगेंगे, झगड़ा होगा। इसलिए ना पुलिस चाहती है कि उधर से ईंट पत्थर बरसें और ना ही उधर के लोग चाहते हैं कि उधर से पुलिस की गोलियां आएं, पर पब्लिक को दिखाना है क्योंकि हम नेता हैं। तो सारे के सारे जितने भी नेता हैं, एक तो वो एट्रोसिटीज होने के बाद जाते हैं, वहाँ जाके वो जो जिसके साथ एट्रोसिटी होती है वहाँ फोटो कराते हैं, उसके बाद वो पुलिस से बात करते हैं, कहीं कोई प्रदर्शन भी रखते हैं, बस एक दिन का प्रदर्शन होता है, कोई फॉलो अप नहीं होता। आज तक भी जितनी एट्रोसिटीज हुई हैं उनमें कानूनी रूप से सजा भी नहीं होती है, कोई नहीं आता पलट के, कोई नहीं देखता पलट के, पर नेता का काम हो गया। तो लोगों में जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था भारत के अंदर, उस समय वो उन लोगों को नेता मानते थे जिनको अंग्रेज उठा के जेल में भर देती थी, जेल में भर दिया, जेल में वहाँ रोटी पानी आराम से आ रही है, वहाँ किताबें लिख रहे हैं, सारे काम चल रहे हैं, सब बातें हो रही हैं, और वो नेता बन जाते थे। पब्लिक कहते देखो वो फलाना आदमी वो जेल में है, वो नेतागिरी, वो कर नेता। पर जो मारे गए, जो जिनके परिवार खत्म हो गए, जिन्होंने युद्ध लड़े, उनका कहीं कोई नाम नहीं है, पर जेल वालों का नाम है, जो सुरक्षित थे जेल में वो नेता बने। तो जो व्यक्ति नेता, जो व्यक्ति जेल में चला जाता है, हमारा समाज उसको आज भी नेता मानता है। किसी भी नेता की कोई बैकग्राउंड कोई चेक नहीं करता। आप पूछो उनसे, जो लोग आपसे सवाल करें कि आप जिसको नेता मानते हो, आप बताओ कि आपने कितने नेताओं की बैकग्राउंड चेक की है, ये नेता क्या आए हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं आते हैं, क्या करते हैं, और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि कोई नेता कोई रोजगार ही नहीं करता। सबका रोजगार पॉलिटिक्स है, सबका रोजगार नेतागिरी है। तो उनके घर कहाँ चलते हैं और सबके घर हैं बसे हुए, एकाध इक्का दुक्का को छोड़ दें तो, अगर उसका इक्का दुक्का का घर नहीं होगा तो वो ताऊ चाचा में उलझा हुआ होगा, यानी उसके और परिवार उसको घर मानता है। तो जितने भी लोग हैं, सारे के सारे जितने भी नेता हैं, अगर आप देखोगे तो उनमें कोई काम ही नहीं करता, उनके पास रोजगार का साधन ही नहीं है, वो जनता के ऊपर पलते हैं, जनता उनको पालती है, तो उसको नेता मानते हैं। जो गोल गले का कुर्ता पहन लेता है और गोल गले की एक अचकन सी पहन लेता है, एक टोपी लगा लेता है, लोग उसको नेता मानते हैं, यानी कपड़े पहनते ही नेता हो जाता है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो यहाँ 256 लोग बैठे हुए हैं, एक सफ़ेद कुर्ता पजामा छपवाइए कलर वाला, और जो कलर वाला वैसा हो, और एक टोपी पहनिए और एक अचकन पहनिए, और कहीं भी निकल जाइए, 10 आदमी आपको मिलेंगे तो आपको 5 जरूर कह देंगे कि आओ नेताजी बैठो यहाँ, यानी कपड़ा पहनते ही नेता हो जाता है। जो ऊंचा ऊंचा भाषण देता है और खूब झूठ बोलता है और खूब लोगों को भड़काता है और खूब ऐसे भाषण देता है जिससे लोगों के मन की बात होती है, लोग उसको नेता मान लेते हैं। और कई बार तो इसलिए भी नेता मान लेते हैं क्योंकि कुछ नहीं मिल रहा है तो यही ठीक है। तो यहाँ जिसको नेता मानते हैं और जिस नेता कहा गया है उसकी डेफिनेशन ही अलग है, तो उनसे पूछो कि भाई ऐसे नेता चाहिए क्या? और वो नेता तो बिकेगा ही बिकेगा, जो गरीबी से आया है, जो भुखमरी से आया है, वो तो आया इसलिए है क्योंकि उसके पास कोई रोजगार नहीं है, उसका तो ये रोजगार है, उसका तो ये बिजनेस है। तो जब नेता की बात आपसे कहें तो आप कहना कि भाई इसलिए संघों के अंदर नेता नहीं होते क्योंकि पहले भी कभी नेता नहीं हुए, और बाबा साहब ने साफ मना किया हुआ है, और बुद्ध ने तो अपना परिवार ही खत्म कर दिया, उन्होंने तो कोई नेतृत्व की बात ही खत्म कर दी, संघ को ही सबसे बड़ा माना और संघ को ही नमामी की है, संघ को ही नमन किया है, उन्होंने किसी व्यक्ति को नमन नहीं किया, उन्होंने किसी व्यक्ति को हाथ जोड़ के नहीं कहा कि व्यक्ति सर्वोपरि होता है, उन्होंने संघ को सर्वोपरि माना है। इसलिए बिना नेता के काम संविधान में चल सकता है, देश का चल सकता है, तो हम तो देश से छोटे ही हैं, हम तो संविधान से छोटे ही हैं, भाई हमारा काम क्यों नहीं चलेगा और चल रहा है, इसका वो जवाब दे नहीं पाएगा। तो जब पूछे राजनीति के बरा कि भाई बिना राजनीति के कैसे होगा, तो उसको बोलो कि भाई बिना राजनीति के ये बताओ कि राजनीति कितने दिन से आई है और तुम कितने दिन से राजनीति कर रहे हो, क्या उससे पहले तुम सम्राट नहीं थे, क्या उससे पहले तुम राजा नहीं थे, क्या उससे पहले देश के मालिक नहीं थे, क्या इतिहास नहीं पढ़े हो, क्या उससे पहले पार्टियां थी, क्या उससे पहले पॉलिटिक्स थी, तो इस बात का जवाब नहीं दे पाएगा क्योंकि राजनीति वहां से आरंभ होती है जहां संघ होता है। जिनके पास संघ होता है वो दुनिया के सारे काम कर सकते हैं, राजनीति उनके लिए पैर का नखून के बराबर है, पैर की जूती के बराबर है। राजनीति तो रोज बदलो, जैसे महिलाएं अपना नेल पॉलिश लगाती हैं अपने अंगूठे पे, अपने नखून पे जैसे पेंट लगाती हैं वो, और जैसी हरी साड़ी पहनती है तो हरा लगा लेती हैं, लाल साड़ी पहनती है लाल लगा लेती हैं, वैसी राजनीति है। जिसके पास संघ है वो रोज राजनीति करे, रोज बदले, रोज प्रधानमंत्री बदले, रोज मुख्यमंत्री बदले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जिसके पास संघ नहीं है
और वो गलती से मुख्यमंत्री बन जाए या प्रधानमंत्री बन जाए या कोई मंत्री बन जाए, गलती से बन जाए, तो हाथ जोड़ेगा तो कुछ दिन चल पाएगा, उसके पीछे कुछ तो है ही नहीं, और हाथ नहीं जोड़ेगा तो ज़्यादा दिन चलेगा भी नहीं, निकाल के बाहर कर देंगे, कोई और आ जाएगा। पर जिनका संघ होता है उनका प्रधानमंत्री हाथ जोड़े या ना जोड़े, जब तक संघ चाहेगा वो बना रहेगा, उनका मंत्री जब तक चाहे, जब तक संघ चाहे, जब तक बना रहेगा, क्योंकि संघ में शक्ति है, राजनीति में शक्ति नहीं है। ये बात आज के उदाहरण से आप उनको समझा सकते हो कि भारत में वही लोग ताकतवर हैं राजनीति में जिनका संघ है। राजनीति से संघ नहीं बनाए, पहले राजनीति आई उसके बाद संघ बनाए, ऐसा नहीं हुआ है, पहले संघ बना है फिर राजनीति के मालिक हुए हैं। इसलिए जो लोग ये सोचते हैं कि राजनीति सब कुछ है, अरे भाई सब कुछ हो सकती है, क्योंकि आपको कानून बनाना है, सत्ता मिलती है, सारे अधिकार यहाँ से मिलते हैं, मानते हैं, पर उसको लाने के लिए आपको इकट्ठा तो होना पड़ेगा, आपको परमानेंट इकट्ठा होना पड़ेगा, आपको अपना संघ बनाना पड़ेगा, और नहीं तो आप जोड़ते रहो हाथ, कहीं बन जाओ कोई मंत्री संतरी मुख्यमंत्री वगैरह दो चार दिन के लिए, उन्हें कौन पूछता है, कौन नहीं पूछता, वो तो बस किसी की दया पर किसी की मर्जी पर रहते हैं। तो सवाल आता है, वो कहते हैं जी बिना चंदा के कैसे होगा, ये बात कन्विंस कर लेगा वो, तो पूछेगा कि बिना चंदा कैसे होगा, क्योंकि वो चंदे ले देते हैं। 29 लाख संगठन इसलिए परेशान हैं, उनकी इसलिए बड़ी आफत आ रखी है, क्योंकि लोगों ने चंदा देना मना बंद कर दिया है। आज बता रहे थे हमारे जो समर संगी हैं अतेंद्र सर, वो कह रहे थे कि कोई पार्टी का नेता आया, उन्होंने समर संगी किताब दी, उस पार्टी के कार्यकर्ता ने बात की, सारे लोगों ने उनसे पूछा कि भाई तुम एक पार्टी कार्यकर्ता हो, एक पार्टी के कार्यकर्ता से क्या बनेगा, आप सारी पार्टियों को एक साथ आना चाहिए, इस पर वो बिखर गए, ऐसा तो हो नहीं सकता जी। अरे भाई क्यों नहीं हो सकता, जब तुम टूट सकते हो तो तुम्हें इकट्ठा होने में शर्म आती है क्या, पर ये नेतागिरी तुम्हारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि सारी पार्टियाँ आएंगी तो सबकी चलेगी, लोगों की चलेगी, फिर वो इकट्ठे ना हो। उसके बाद उन्होंने चंदा मांगा कि हम इतने दूर से आए हैं, कुछ पार्टी के लिए चंदा वंदा दो। अब संघियों ने कह दिया जी हमें तो चंदा देने के लिए मना किया हुआ है संघ ने, जब आप सब इकट्ठे हो जाओगे तो ले जाना चंदा, इकट्ठे होके आओगे तो ले जाओ, चंदे को मना ही नहीं है, पर देंगे जब इकट्ठे होके आओगे तब। वो चले गए झगड़ते हुए लड़ते हुए अपना समूह लेके, जाओ सब जगह ऐसा ही हो रहा है। इसलिए सारे संगठन जितने भी 29 लाख संगठन हैं उनका आखिरी फेज है, उनका आखिरी दौर चल रहा है। उन्हें पता है कि संघ तो कभी ख़त्म होते नहीं, संघ आज तक ना ख़त्म हुए, संघ कमज़ोर हो सकते हैं, संघ धीरे चल सकते हैं, लड़खड़ा सकते हैं, पर संघ ख़त्म नहीं होते, पर संगठन ख़त्म होते हैं। संगठन गिर जाते हैं, चित्त हो जाते हैं, मर जाते हैं, पैदा हो जाते हैं, वो चलते रहते हैं जैसे खरपतवार होती है, और संघ समझो जैसे विशाल बरगद का पेड़ है, इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं, लंबा चौड़ा होता है, जितना लंबा उतना चौड़ा बरगद का पेड़, बिल्कुल इसकी जो शाखाएँ लटकी रहती हैं दूर दूर तक, और घना छाँव वाला होता है। तो क्या होगा फिर ये होगा कि वो सारे लोग बार बार कहेंगे जी कि इनका चंदा कहीं बाहर से आता होगा, कोई इनको फाइनेंस करता होगा, कोई पैसा कहीं ना कहीं से आता होगा, बिना चंदे के कैसे कर लेंगे, क्योंकि उनके जो कार्यक्रम 20 लाख रुपए में होते हैं वो कार्यक्रम हम संघियों के 350 रुपए में हो जाते हैं। हर व्यक्ति अपना खाने का पीने का बैठने का 350 रुपए देता है, और उसमें भी लास्ट में पैसा जब शाम को 4-5 बजे हिसाब देता है संघ, तो कहता है जी इस बार 30,000 रुपये बच गए, इस बार 20,000 रुपये बच गए, अब हमारी संघ जो संघियों की संगति लगती है उसमें कुछ ना कुछ बच ही जाता है, जो हमारे रोज़मर्रा के काम में खर्च हो जाता है, जैसे जूम का खर्चा है या कहीं छोटा मोटा खर्चा ऐसा आता है जो सामूहिक खर्चा होता है, जो करना होता है। तो हमने तो कहीं 20 लाख रुपये खर्च किया नहीं, और उससे बढ़िया संगति लगती है हमारी, और सब खुश होकर जाते हैं, और किसी के दिमाग में वजन नहीं, किसी को जोर नहीं पड़ता कि 10,000 देने या 5,000 देने या 15,000 देने, और संगति बहुत बढ़िया होती है, खुशी खुशी आते हैं, खुशी खुशी जाते हैं, पारिवार होती है। तो उनको ये कहना चाहिए कि भाई अगर तुम्हारा ये डाउट है कि हमें कहीं पैसा बाहर से आता है, संघ को कहीं पैसा बाहर से आता है, तो इसका खाता चेक कर लो। तो क्या चेक करोगे, हमारे पास तो खाता ही नहीं है, संघ का नियम है खाता है ही नहीं, और अब तो संघ का डायलॉग भी है ना खाता ना बही, और जो संघ कह दे वो सही, तो हमारा खाता बही तो है नहीं, तो क्या चेक करोगे, जब हमारा डिक्लेयर्ड है कि हमारा कभी खाता बनेगा ही नहीं, संघों के खाते होते नहीं हैं, तो हम पैसा काय मिलेंगे। और आजकल तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसकी बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है कि लेन देन सारा आपको अकाउंट के थ्रू ही करना पड़ेगा, और ख़ास तौर से मोटी रकम तो अकाउंट के थ्रू ही आती है, छुट्टी तो आती नहीं, और विदेश से तो पैसा ले नहीं सकते क्योंकि विदेश का पैसा तो बंद है, यहाँ के जितनी भी संस्थाएँ हैं उनके लिए बाहर का जो पैसा है फॉरेन एड्स है वो बंद है, तो बाहर का पैसा आ नहीं सकता, तो फिर पैसा आ ही नहीं सकता हमारे पास, तो तुम कैसे ब्लेम लगाते हो। चलो मान लो अगर आपको फिर भी डाउट है तो भाई संघ में विजिटर्स के रूप में आ सकते हो आप, ये ठीक ऐसे जैसे पार्लियामेंट के अंदर जो विजिटर आते हैं वो बैठ जाते हैं, देखें कार्रवाई कैसे कैसे नहीं है,
वैसे ही यहाँ 3 घंटे रोज खुलता है, हाउस में भी आ सकते हो, यहाँ कोई छुपी हुई बात नहीं है, आओ और आके देखो। या ऐसे ही मन नहीं भरता है तो टेम्परेरी रूप से संगी बन जाओ और महीने 2 महीने या देखो काम करके, काम ना भी करो तो काम को देखो कैसे होता है, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये तो बिना पैसे के लेन देन के भी काम चलता है। और हमारा क्या चलता है, हमने तो जिनसे सीखा है वो बिना पैसे के लेन देन के काम चलते थे। जो पुराना समण संघ जो इतने दिनों से चला आ रहा था उसमें एक भी कहीं ऐसा वाक्य नहीं है, ना बुद्ध के साहित्य में है, ना भिक्खु संघ के साहित्य में है, ना कहीं है, ना किस्से में, ना कहानियों में, कि जब कभी पुराने समण संघ ने लोगों से चंदा इकट्ठा किया हो, या इसीलिए इकट्ठा किया हो कि कोलियों से युद्ध होगा लाओ जी पैसा दे दो, या साक्यों से युद्ध होगा साक्य समण संघ से युद्ध होगा लाओ पैसा दे दो, एक कहानी नहीं है। इसलिए चंदा ना लेता था संघ, ना देता है, पर अपने खर्चे खुद करता है, तो ये प्रश्न भी आपका चला जाएगा। फिर वो पूछेंगे जब सच्चारों तरफ से हार जाएगा तो कहेगा अच्छा इकट्ठा होके करोगे क्या, क्योंकि अधिकतर लोग ये सुनना चाहते हैं कि आखिर हम करेंगे कैसे, ये समर संघ हमको कैसे दुखों से मुक्त कराएगा, ये उनकी जिज्ञासा है। वो नेता लोग हैं, वो दरअसल जो काम करने वाला है, जो जुड़ने वाला है, जो समझदार व्यक्ति है, जो संगी हो चुका है, उसका प्रश्न नहीं आता। पर जो सामने नेता मिला है जिसको समर संगी सिखा रहा है, वो समर संगी को डाउन करने के लिए, उसको मनोवैज्ञानिक रूप से हराने के लिए, उसको तर्क वितर्क में हराने के लिए और जीतने के लिए हारा चारों तरफ से, तो वो लास्ट में ये तीर फेंकता है भाई इकट्ठा होकर क्या करोगे। क्योंकि इकट्ठे होने के बाद में लोग क्या करते हैं, या तो धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, धर्म को आगे बढ़ाते हैं, या वो राजनीतिक कार्यक्रम करते हैं, राजनीति को आगे बढ़ाते हैं, या कोई पैसे का लेन देन का बिजनेस व्यापार खोलते हैं तो पैसे का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं ये, या कोई एजुकेशन का काम करते हैं, एजुकेशन का काम आगे बढ़ाते हैं, मोस्टली ये काम करते हैं लोग। पर समर संघ ने तो डिक्लेयर किया नहीं कि इनमें से कोई काम करेगा, पर समर संघ ने ये भी डिक्लेयर नहीं किया कि वो इनमें से कोई काम छोड़ेगा भी, क्योंकि समर संघ ये कहता है कि इकट्ठे होने के बाद जिसको जो काम करना है, जिसको जो चीज़ अच्छी लगती है, जो जिस विद्या में पारंगत है, जो जिस लाइन में जाना चाहता है, वो उस लाइन में जाए, वो सफल होगा, क्योंकि लोग चाहिए सब काम के लिए। अगर आपको राजनीति करनी है तो लोग चाहिए, अगर आपको धार्मिक काम करना है तो लोग चाहिए, अगर आपको आर्थिक काम करना है तो लोग चाहिए, अगर आपको कोई सामाजिक काम करना है तो लोग चाहिए। जब सारे लोगों को एक साथ आप पहले ही इकट्ठा कर चुके हो तो बताओ कौन सा ताला खोलना है, सारी चाबी आपके जेब में है। अब आप धार्मिक ताला खोल लो, अब आप सामाजिक ताला खोल लो, आप राजनीतिक ताला खोल लो, अब आप एजुकेशन का ताला खोल लो, यूनिवर्सिटी का ताला खोल लो, जमीन का ताला खोल लो, लड़ाई का ताला खोल लो, भिड़ाई का खोल लो, करुणा का खोल लो, मैत्री का खोल लो, कोई नया मत बना लो, कोई नया पंथ बना लो, जो चाहो वो कर सकते हो। जिनके पास संघ होता है सारे ताले चाबी वहां से चलते हैं। इसलिए इस प्रश्न को हम छोड़ देते हैं कि इकट्ठा होने के बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि वो हमारे मुंह से ये सुनना चाहता है एक चीज बता दो, एक चीज बता दो। अब जो भी आप बताओगे उसी में आप फंस जाओगे। मान लो आपने कह दिया कि हम तो धर्म का काम करेंगे, तो वो आपको 100 उदाहरण बता देगा कि धर्म में तो सब जी के काम कर रहे हैं वो तो फेल है, जितने भी धर्म के लोग काम कर रहे हैं वो सब फेल है, धर्म तो बढ़ ही नहीं रहा आगे, कोई सा भी मत है, हम तो सभी समणों के सारे मतों की बात करते हैं। तो वो आपको तो आप जवाब नहीं दे पाओगे, आप कहोगे हाँ ये तो बात सही है, कोई मत नहीं चल रहा, सारे मत लड़ रहे हैं आपस में, ये बात तो संघ खुद भी कहता है और आपने खुद कही थोड़ी देर पहले। गलती से आपने कह दिया कि हम तो ताला चाबी खोलेंगे, तो कहेंगे जी ताला चाबी खोलने की तो बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं, तुम ही क्या कर लोगे, तो कैसे जवाब दोगे, क्योंकि आपने ताला चाबी खोलने के लिए कहा तो फौरन कह देगा फलानी पार्टी है, फलानी पार्टी है, फलानी पार्टी है, फलानी पार्टी है, तो तुम क्या कर लोगे नए, और ये बात सही है क्या कर लोगे भाई, नहीं आप कुछ नहीं कर सकते। मान लो आपने कहा जी हम सामाजिक काम करेंगे, क्योंकि भाई सामाजिक संगठन तो बहुत सारे हैं, वो फ्लॉप हो गए, वो खराब हो गए, वो टूट गए, वो बट गए, तो आप ही कौन सा नया तीर तीर मान लोगे। इसलिए जैसे ही मुंह खोलोगे आप वैसे ही फंस जाओगे। पर समर संघ ये कहता है कि हमें मुंह खोलने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ एक बात ये कहनी है हमें कि आप बताओ आप क्या करना चाहते हो। जब आप उससे ये पूछोगे कि आप क्या करना चाहते हो तो वो बताएगा कि जी वो राजनीति में जाना चाहते हो तो कर, वेरी गुड, जाओ भी राजनीति में, कौन मना करता है, पर लोग तो चाहिए ना, इकट्ठे तो करोगे, बिना इकट्ठे हुए चले जाओगे, तो यहाँ वो फंस जाता है। कोई कहे जी मुझे तो बुद्धिस्ट भारत बनाना है, बौद्ध में भारत बनाना, तो कह रहे वेरी गुड बनाओ भाई, अच्छी बात है, हमारी पुरानी परंपरा है, पुराना हमारा भारत कभी गौरवशाली रहा है, पूरी दुनिया में आज भी जाना जाता है, कौन मना करता है, पर लोग तो चाहिए, बिना लोगों के इकट्ठे करे कैसे, बुद्ध ने भी पहले लोग इकट्ठे किए तभी तो जाके इसको
धम्मिक भारत बनाया था, तभी तो आभारत बनाया था, आभा का भारत बनाया था। तो बिना इकट्ठे हुए तो बुद्ध ने भी नहीं बनाया, तो तुम्हारी क्या औकात है भाई? तो समझ में आ जाएगा उसको कि बात तो ठीक है। तो वो बताए हमें कि वो क्या चाहता है, और फिर उससे अगला सवाल करो कि ये काम बिना लोगों के हो सकता है तो बता। तो हम यहाँ काम बाद में करेंगे, पहले लोगों को इकट्ठा करने का काम करेंगे और बाकी सारे काम अपने आप हो जाएंगे। ये ठीक ऐसे है जैसे दो व्यक्तियों में जब झगड़ा होता है तो दोनों बराबर के होते हैं, और उनमें से एक पक्ष वाले के साथ में अगर दो व्यक्ति आ जाएं तो जो सामने वाला है वो कमजोर पड़ जाता है। वो कहता है भाई साहब मैं तो वैसे झगड़ा कर रहा था, कोई बात नहीं। पर जब उसके साथ भी चार लोग आ जाएं और वो दो रह जाएं, फिर वो कहता है बताऊंगा तुझे क्या है क्या नहीं है। यानी जिसका संग बढ़ता जाएगा उसका कारण वारण कुछ नहीं है, वो बलशाली होता जाता है और उसकी आवाज़ में दम आता चला जाता है। ये सिद्धांत है जीतने का, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये संविधान कहता है। इसलिए आप सन्निपात बाहुल करेंगे, आप बहुत ज़्यादा लोगों को बुलाएंगे, बहुत ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करेंगे तो गांव में भी जीतेंगे, मोहल्ले में भी जीतेंगे, जहां आप काम करते हैं वहां भी जीतेंगे, जहां जहां आप इकट्ठा होकर संघ में रहेंगे वहां वहां आपकी जीत होगी, और जब जब आप संघ में इकट्ठा होते रहेंगे तब तब आपकी जीत होगी। ये प्राकृतिक सिद्धांत है, इसको कोई रोक नहीं सकता, इसको कोई तोड़ नहीं सकता, ये कभी फेल नहीं हो सकता, ये सनातन है, ये हमेशा से चलता आया, ये प्राकृतिक सिद्धांत है। इसलिए इस सिद्धांत पे चलते हुए हमें तेजी से आगे बढ़ना है और इस पे काम करना है। इसीलिए हमको सन्निपात बाहुल में लगातार लगातार लगातार, अब इसके नियम आ रहे हैं कि सन्निपात बाहुल में कैसे हमें उस दिन क्या करना है क्या नहीं करना है। समर डायरी आ रही हैं, समर डायरी छप चुकी हैं, वो आपको वहाँ मिलेगी, और सस्ती डायरी है वो आप लेकर रखेंगे, उसको डेली भरेंगे, उस पर चलेंगे तो आपका कल्याण होगा, परिवार का कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा, समणों का कल्याण होगा, समण संघ दोबारा से सबका कल्याण करने की स्थिति में आ जाएगा। ये बात तय है कि जैसे जैसे सन्निपात बाहुल करते जाएंगे वैसे वैसे हम जीतते चले जाएंगे जैसे हम पहले जीते थे। इसलिए आज जो NRI डे है और आज जो सन्निपात डे है ये शुभ शनिवार है, इसको सबको मनाना चाहिए, खूब मनाना चाहिए। नागपुर जो लोग नहीं आ रहे हैं मैं एक बार फिर कहूँगा कि अगर टिकट मिल सकती हो तो लेके आ जाइए, बड़े सारे नियम वहाँ पास होंगे, बहुत बढ़िया वहाँ चार दिन भाईचारा रहेगा, बहुत बढ़िया वहाँ काम होगा, बहुत बढ़िया बात होगी, और आपको एक जो संघ है उसका अगला स्टेप वहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि अब संघ हमारा कुछ पुराना हो चला है, कुछ मजबूत हो चला है, तो उसको और मजबूत करने का आगे कार्यक्रम वहाँ होगा, बहुत बढ़िया बातें होंगी वहाँ पे। जो आ जाएंगे उनका मनोरंजन भी होगा, घूमने के हिसाब से भी आ सकते हैं। 13 तारीख का 14 तारीख का 2 दिन मेन है, बाकी तो वहाँ बातें होंगी, चर्चा होंगी, बाकी जो लोग हैं उनसे होंगी। तो जब जब हम जुड़े हैं तब तब हम जीते हैं, जैसे जैसे हम जुड़े हैं वैसे वैसे जीते हैं, जहाँ जहाँ जुड़े हैं वहाँ वहाँ जीते हैं। जिद्द जुड़ने की, जुड़ेंगे जीतेंगे, पहले भी जुड़े थे तब भी जीते थे, अब भी जुड़े हैं अब जीतेंगे, और जिद्द हमारी जुड़ने की है, जीत के रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे अगर किन्हीं शब्दों से संघ में किसी को कोई आपत्ति हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। संघ मुझे माफ़ करे, संघ मुझे माफ़ करे, संघ मुझे माफ़ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको अपना मान के चलाएँ, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Sangam
Sadhu.